हाय एवरीवन, दिस इज ममता सिंघवी। वेलकम बैक टू लक्ष्य MBBS। और आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो अब्रॉड में MBBS करना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि हम कौन सी कंट्री सिलेक्ट करें, क्योंकि अब्रॉड MBBS जब आप चूज करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिसीजन है वो यही होना चाहिए कि आप कौन सी कंट्री चूज कर रहे हैं या सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि डिपेंड करेगा आपका करियर कि आपने कौन सी कंट्री सिलेक्ट करी है। किसी भी कंट्री का जो इन्वायरमेंट है, जो स्टडी पैटर्न है, वो सभी कुछ आपके MBBS पर इफेक्ट डालते हैं। तो आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो सोच रहे हैं कि कौन सी कंट्री चूज करें। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। स्टार्ट करते हैं कि अगर हम अब्रॉड MBBS कर रहे हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स पर फोकस डालना चाहिए कि वहाँ का स्टडी पैटर्न कैसा है, वहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर कैसा है। तो आज हम बात करेंगे कि एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आपको सारे एडवांटेज मिलते हैं और वो है फिलीपींस। अब्रॉड में फिलीपींस अगर आप सिलेक्ट करते हैं MBBS के लिए तो आपको कुछ मेजर एडवांटेज ऐसे मिलते हैं जो कि कहीं दूसरी कंट्री में नहीं है। एडवांटेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज है 5.5 कोर्स ड्यूरेशन, जो कि इंडिया के कोर्स ड्यूरेशन के बराबर है। अगर आप फिलीपींस चूज करते हैं तो आपको 5.5 ईयर में एक कंप्लीट MBBS मिलता है। सेकेंड जो है वो है इसका जो इन्वायरमेंट है वो ट्रॉपिकल है। अगर ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आप देखते हैं तो वहाँ दो एडवांटेज मिलते हैं कि आपको सर्वाइव करना बहुत ईजी है। सेकेंड थिंग, आपको वहाँ जो डिसीज पैटर्न पर प्रैक्टिस करने को मिलेंगे वो ही डिसीज पैटर्न इंडिया में है। थर्ड जो है वो है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। फिलीपींस में अगर आप MBBS करते हैं तो आपको कोई भी अलग से लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। आप इंग्लिश अगर फ्लुएंसी जानते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज आप अच्छे से जानते हैं तो आपका MBBS बहुत अच्छे से होने वाला है। फोर्थ अगर हम देखते हैं MCI रिजल्ट फिलीपींस का इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर अच्छा है। फिलीपींस से अगर आप MBBS करते हैं तो आपको अच्छे से प्रैक्टिकल एक्सपोजर का चांस मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिलीपींस में अगर आप MBBS करते हैं तो आपको इंडियन फूड अवेलेबल है, बहुत ही अच्छे से हॉस्टल अवेलेबल है। और इसके साथ ही आप फिलीपींस से MBBS करते हैं तो वहाँ की जो इंटर्नशिप है वो इंडिया में वैलिड है। ये सारे एडवांटेज जो है वो फिलीपींस के हैं जो कि आपको दूसरी कंट्रीज में नहीं मिलते हैं। अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि ओके फिलीपींस इज गुड कंट्री फॉर MBBS, तो हमें कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए अगर हम फिलीपींस में जाएं, तो फिलीपींस में नंबर वन जो यूनिवर्सिटी है वो है दवाओ मेडिकल स्कूल फाउंडेशन। ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ का MCI रिजल्ट टॉप वन पे रहता है हमेशा पिछले कई सालों से। इसकी ट्यूशन फीस 23 लाख है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि 23 लाख हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बट हमें फिलीपींस का स्टडी पैटर्न, प्रैक्टिकल एक्सपोजर सब कुछ बहुत अच्छा लगा। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और वो है लिसियो कागयाना यूनिवर्सिटी का। तो लिसियो द कागयाना यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, और उसके भी जो BS वाला कैंपस है वो पुणे में भी है, चेन्नई में भी है। तो आप इसको भी चूज कर सकते हैं, सो देट कि आपका 13,50,000 ट्यूशन फीस में 5.5 साल का MBBS हो जाता है। और इसमें अगर आप MBBS करते हैं तो यहाँ भी आपको वो सारे एडवांटेज मिलते हैं जो कि फिलीपींस में पढ़ने में मिलते हैं। आपको इंडियन मैनेजमेंट मिलता है, इंडियन फूड अवेलेबल है, सारी वो फैसिलिटी मिलेगी जो आप चाहते हैं। तो फिलीपींस में अगर आप MBBS करना चाहते हैं और आपका कम बजट है तो आप लिसियो द कागयाना को चूज करें और यहाँ से आप MBBS करें, जिससे कि आप इंडिया में एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन सकते हैं। और लिसियो में अगर आप MBBS करते हैं तो वो सारे एडवांटेज जैसे कि इंटर्नशिप वैली, कोर्स ड्यूरेशन, ये सारे एडवांटेज आपको साथ ही साथ मिलेंगे। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, अगर आपका कम बजट है और फिर भी MBBS करना है तो आप अपनी होप ना खोए। फिलीपींस का ऑप्शन आपके पास अभी भी है, आप लिसियो यूनिवर्सिटी को चूज करें और अपना MBBS का सपना पूरा करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और आपके कोई भी फ्रेंड्स या रिलेटिव है जो ये सोच रहे हैं कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अब्रॉड एजुकेशन को,
तो आज ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए कि आप भी 13,50,000 में MBBS कर सकते हैं, मात्र 13,50,000 के ट्यूशन फीस में आप MBBS कर सकते हैं, वो भी फिलीपींस से। थैंक यू।